हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। और जैसा कि थंबनेल पे आप लोगों ने देखा, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टेक्नीशियन में कितने फॉर्म किस जोन से भरे जा रहे हैं। और ये फॉर्म को लेकर जो है एएलपी में भी काफ़ी लोगों ने जो है भ्रम फैलाया था, और स्टार्टिंग में ही किसी ने 17 लाख तो किसी ने 36 लाख बताया। और वहाँ पर भी हमने आपको बिल्कुल ऑथेंटिक और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन दी थी। अभी टेक्नीशियन की अगर मैं बात करूँ तो जो भ्रम है वो यूट्यूब पर आना स्टार्ट हो चुका है, लेकिन यहाँ पर हम आपको जो भी चीज़ें दिखाएंगे वो पूरी तरह से ऑथेंटिक रहेंगी। चार जोन का डाटा मेरे पास आया है, चारों ही जोन का रजिस्ट्रेशन का जो स्क्रीनशॉट है वो मैं आपको दिखाऊंगा। साथ में समझने की कोशिश करेंगे कि जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो किस तरह से जनरेट हो रहा है। और अभी तक जो है अजमेर, मुंबई, गुवाहाटी, सिकंदराबाद, इन चार जोन का ऑथेंटिक डाटा मिला है। और चारों जोन को मिलाकर 30,839 टोटल फॉर्म जो है अभी तक भरे गए हैं, जो डाटा मेरे साथ शेयर किया गया है। तो यहाँ पे कुछ भी फेक आपको नहीं दिखाया जाएगा, सारी चीज़ें जेन्युइन और रियल दिखाई जाएंगी। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही अगर आप लोग फॉर्म भर चुके हैं तो आप लोग हमें 9193929106, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर अपने रजिस्ट्रेशन जो फॉर्म है उसकी फ़ोटो खींच के भेज सकते हैं। आपका कोई भी पर्सनल डाटा शो नहीं किया जाएगा, सिर्फ ये जानकारी के लिए कि कितने फॉर्म कहाँ से भरे जा रहे हैं। और अगर ये डाटा आप शेयर करते हैं तो इससे आपको भी मदद मिलेगी और जो बाकी स्टूडेंट हैं उनको भी मदद मिलेगी। तो इस नंबर पर आप जो है अपनी इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, साथ ही कोई क्वेरी है वो भी आप इस नंबर पे पूछ सकते हैं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल की वैकेंसी की तैयारी करने के लिए बेस्ट बुक की। यहाँ पर ये चक्षु प्रकाशन की तरफ से स्टडी गाइड के रूप में आती है, जिसमें 2000 से ज्यादा एमसीक्यू क्वेश्चन के साथ 5 सॉल्व पेपर भी आपको मिल जाते हैं। इसमें मैथमेटिक्स, रीजनिंग, सामान्य ज्ञान, सारी चीजें आपको क्वांटिटी विद क्वालिटी देखने को मिल जाती है। और इस बुक से आप लोग बहुत बेहतर तैयारी कर सकते हैं, सभी क्वेश्चन के डिटेल आंसर भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। उसके साथ ही अगर आप लोग चाहें तो चक्षु प्रकाशन का कॉम्बो पैक भी ले सकते हैं, जिसमें कांस्टेबल के लिए स्टडी गाइड तो आपको मिलती है, साथ ही रीजनिंग, मैथमेटिक्स और सामान्य अध्ययन के लिए 6000 से ज्यादा एमसीक्यू वाली बुक भी आपको देखने को मिल जाती है। इन सभी बुक की मदद से आप लोग रेलवे आरपीएफ कांस्टेबल की बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं। इनका डायरेक्ट लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप चाहे तो नजदीकी बुक स्टोर से भी इनको परचेज कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आरआरबी गुवाहाटी की। यहाँ पर आप देख सकते हैं आरआरबी गुवाहाटी, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर है, ये प्रेफरेंसेस हैं। तो एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, एएलपी का जो रजिस्ट्रेशन नंबर था उसको रीड करना थोड़ा आसान था, क्योंकि उसमें डायरेक्ट लास्ट के 7 डिजिट देख के हम पता लगा सकते थे कि कितने फॉर्म वहाँ से भरे जा रहे हैं। अभी टेक्नीशियन में जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो थोड़ा अलग तरीके से जनरेट हो रहा है, लेकिन इसको थोड़ा सा डिकोड करने की मैंने कोशिश की है। सबसे पहले तो आप देखो, यहाँ पर L2240 जो स्टार्टिंग के ये अंक हैं ये यहाँ पर सेम रहेंगे। ये दूसरा जो गुवाहाटी का मेरे पास रजिस्ट्रेशन नंबर है उसमें भी ये L2240 सेम है। उसके बाद यहाँ पर 4 डिजिट को और ब्रेक कर दीजिए और लास्ट की जो 4 डिजिट है यानी कि 4483 ये यहाँ पर मेरे अकॉर्डिंग टोटल फॉर्म है। अब देखो, मैं दूसरा रजिस्ट्रेशन नंबर दिखाता हूँ, ये फॉर्म जो है पहले भरा गया था। अभी गुवाहाटी का जो लेटेस्ट है वो ये वाला है आरआरबी गुवाहाटी, आप देख सकते हैं। देखो L2240 इसमें भी बिल्कुल सेम है, और उसके बाद 4 अंक हैं 797, ये 0797 ये बाकी जोन में भी दिखाई दे रहा है। यहाँ पर अगर लास्ट के 4 अंक आप लोग देखेंगे तो ये है 7473। तो यहाँ पर ये मेरे अकॉर्डिंग अभी तक जो है गुवाहाटी का फाइनल डाटा है, जो लास्ट मुझे भेजा गया था। आपने किसी ने भरा है तो भी आप शेयर कर सकते हैं, नंबर मैंने आपको बता दिया। तो ये बात हो गई गुवाहाटी की। उसके बाद बात कर लेते हैं सिकंदराबाद की। देखो, सिकंदराबाद में क्या है कि W2240 इसका जो कोड है वो W2240 है, उसका था L2240 गुवाहाटी का। उसके बाद देखो 1997 इसमें भी है, लास्ट के 4 अंक को अगर आप ब्रेक करेंगे तो निकल के आएगा 6383, ये सिकंदराबाद का फॉर्म का डाटा है अभी तक का। अब उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। आगे यहाँ पर अजमेर का मेरे साथ किसी ने शेयर किया था, लास्ट के 4 अंक हैं 7290, तो ये है अजमेर का। उसके बाद मैं आपको एक और दिखा देता हूँ, ये मेरे पास मुंबई का भी किसी ने भेजा था। यहाँ पर आप देख लीजिए आरआरबी मुंबई रजिस्ट्रेशन नंबर, इसका कोड है यहाँ पर Q2240, तो ये 2240 जो है ना ये सभी में आपको मिलेगा स्टार्टिंग का। उसके बाद देखो 797 यहाँ पर भी है, 0797, और लास्ट के 4 अंक अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये है आपका 9693 ये है मुंबई का। तो सारों को अगर हम लोग ऐड कर देते हैं, मैं एक बार आपको बता देता हूँ, अजमेर में है 7290 अभी तक, उसके बाद मुंबई में 9693 है, उसके बाद मैंने आपको बताया सिकंदराबाद में 6383 है, और उसके बाद अगर गुवाहाटी का लेटेस्ट वाला देखें तो 7473 है। ये चारों जोन का डाटा है, सभी को अगर आप ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 30,839। तो अभी तक इन चार जोन में 30,839 फॉर्म जो है वो भरे जा चुके हैं। बाकी आगे जैसे जैसे डाटा मेरे पास आएगा मैं आपके साथ शेयर करूंगा। रियल और ऑथेंटिक डाटा आपको हमारे चैनल पर मिलेगा, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी अभी स्टूडेंट ज़्यादा फॉर्म नहीं भर रहे हैं, उसके कुछ रीजन्स मैं आपको बता देता हूँ। पहला रीज़न तो ये है कि नोटिफिकेशन को समझने में थोड़ा सा लोगों को दिक्कत हो रही है कि किस जोन से अप्लाई करें, कौन सा जोन हमारे लिए सेफ रहेगा। स्टूडेंट थोड़ा सेफ साइड में खेलना पसंद करते हैं, क्योंकि जब तक उनको ये सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा कि उनकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग कहाँ पर सेफ है, फॉर्म नहीं भरते हैं। एलपी में भी आपने देखा लास्ट के 5-6 दिनों में
में बिल्कुल रिकॉर्ड तोड़ फॉर्म भरे गए थे, तो टेक्नीशियन में भी ऐसा ही देखने को मिलेगा। बाकी जैसे जैसे हमारे पास डाटा आता रहेगा हम आपको दिखाते रहेंगे। और हमारे चैनल पर सिर्फ रियल ऑथेंटिक न्यूज़ मिलेगी, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर करना ना भूलें।